देवास जिले में कोरोना वायरस जैसी महामारी में लॉकडाउन के चलते शहर काजी सहित 10 लोगों ने शाही ईदगाह राधागंज में अता की है। ईद की विशेष नमाज शहर के सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 लोगों ने ईद की नमाज अता की है। सारे मुस्लिम परिवारों ने बच्चों ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों में ईद की नमाज की अता की है और सेवैयाँ खिलाकर ईद की बधाइयाँ भी दी है। शहर काजी नवाब इरफान अहमद ने ईद की मुबारकबाद भी दी है। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं द्वारा शहर काजी नवाब इरफान अहमद का स्वागत कर मुबारकबाद भी दी गई है। शहर काजी नवाब इरफान अहमद द्वारा देशवासियों को संदेश भी दिया गया है कि सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में रहकर ईद को बनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। आज ईद का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है, लेकिन साथ ही साथ जो बीमारी चल रही है उसके लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि वो अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वास्ते करम से इस बीमारी से परेशानी से सारे शहर वासियों को, मुल्क वासियों को और दुनिया को जल्द अज जल्द अल्लाह ताला निजात अता फरमाए। और इसी दुआओं के साथ के अल्लाह ताला फिर गुम्बदे खजरा की बहारें हुजूर गरीब नवाज के वास्ते से अता फरमाए और तमाम लोग शिफायाब हों, तमाम लोग अच्छे से रहें, खुशगवारी फिर से अल्लाह नसीब फरमाए। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।